नमस्ते, आज हम पेटेंट ग्रांट का एनालिसिस देखेंगे और भारतीय बनाम विदेशी एप्लीकेंट्स का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा प्रदान किए गए पिछले 10 वर्षों के स्टैटिस्टिकल डेटा के अनुसार यह निष्कर्ष किया जाता है कि जब साइंटिस्ट और इनोवेटर्स विदेशों में एप्लीकेशन करते हैं तो पेटेंट हासिल करने में अधिक सफलता मिलती है। औसतन भारत के बाहर भारतीय एप्लीकेंट्स द्वारा फाइल किए गए प्रत्येक 10 पेटेंट एप्लीकेशंस में से 4 दिए जाते हैं, जबकि भारत में फाइल किए गए प्रत्येक 10 पेटेंट एप्लीकेशंस में से केवल एक ही को ग्रांट किया जाता है। एक्सपर्ट्स ने इस पैटर्न के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें स्लो डिस्पोजल, इंडिस्क्रिमिनेट फाइलिंग और पेटेंट दर्ज करने की कम कॉस्ट शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में पेटेंट फाइल करने और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया जटिल है और आमतौर पर पेटेंट प्राप्त करने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। एक और कारण यह हो सकता है कि भारत में कई एप्लीकेशंस PIP कंपटीशन के लिए फाइल किए जाते हैं और पहली फाइलिंग का लाभ उठाते हैं। एक और स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि जब एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो प्रक्रिया की अधिक कॉस्ट के कारण विदेशों में फाइल किए जाने को अधिक गंभीरता से लिया जाता है। WIPO से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2019 के बीच भारत में 1,20,000 पेटेंट एप्लीकेशंस दायर किए गए हैं और केवल 13,670 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत 1,07,000 भारतीय पेटेंट एप्लीकेशंस को विदेशों में फाइल किया गया है और 44,477 पेटेंट प्रदान किए गए हैं। यहाँ दिए गए टेबल में आपको पिछले 10 सालों का डेटा दिख जाएगा। एक दूसरे डेटा के अनुसार पिछले 10 वर्षों में विदेशी इनोवेटर्स ने भारत में 3,20,000 से अधिक पेटेंट फाइल किए हैं और उस अवधि में 76,637 को ग्रांट किया गया है। इसीलिए घरेलू इनोवेटर्स की तुलना में विदेशी इनोवेटर्स अधिक एप्लीकेशन फाइल करना जारी रखते हैं, क्योंकि विदेशी एप्लीकेंट्स भारत में पेटेंट प्राप्त करने का एक बेहतर मौका रखते हैं और पिछले 10 वर्षों में उनके द्वारा फाइल किए गए एप्लीकेशंस की औसत 23.4% है और उनकी तुलना में घरेलू इनोवेटर्स ने केवल 10.8% एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। 2016 के बाद से फाइलिंग और अनुदानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत सरकार ने जागरूकता बढ़ाने और तकनीकी प्रगति की बढ़ती दर के साथ रहने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू इनोवेटर्स का समर्थन करने के लिए कई पॉलिसीज और सुधारों को लागू किया है, जिनमें से कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहला, सरकार ने अपने नवाचारों की रक्षा और कमर्शियलाइजेशन के लिए घरेलू इनोवेटर्स को हाई क्वालिटी IP सर्विसेज और टूल्स प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन SIPP की योजना शुरू की। इसके अलावा SIPP की योजना के तहत IP सुविधाकर्ताओं को अपने IP अनुप्रयोगों को सलाह देने, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग और डिस्पोज करने जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी पेशेवर शुल्क के बिना अपने IP की रक्षा करने वाले स्टार्टअप की सहायता के लिए सूचीबद्ध किया गया था। यह पेशेवर शुल्क केंद्र सरकार द्वारा सुविधाकर्ता को दिया जाएगा। दूसरा, पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2016 को अपनाया गया, जिसमें एप्लीकेंट्स को एक नई श्रेणी के रूप में स्टार्टअप की शुरुआत की गई, जहां स्टार्टअप्स द्वारा लगाए गए आधिकारिक शुल्क 20% से कम हो गए। इसके अलावा शीघ्र एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेंट्स की कुछ श्रेणियों के लिए शीघ्र एग्जामिनेशन का एक विकल्प प्रदान किया गया है, जहाँ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट की परीक्षा की तारीख से 3.5 महीने के भीतर कंट्रोलर द्वारा जारी किया जाना है। तीसरा, सरकार ने सभी पेटेंट एप्लीकेशंस के लिए 12 से 6 महीने के लिए FER प्रतिक्रिया दाखिल करने का समय कम करके पेटेंट प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारतीय पेटेंट नियमों में भी बदलाव किए हैं, जहां FER 16 मई 2016 को या उसके बाद जारी किया जाता है। चौथा, सरकार ने फीस रिफंड को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो एप्लीकेंट को FER जारी करने से पहले एप्लीकेशन वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट दाखिल करके एग्जामिनेशन या एक्सपायर्ड एग्जामिनेशन के लिए भुगतान की गई फीस का 90% रिफंड ले सकता है। पांचवा, सरकार ने भारत से बाहर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए MSMCs और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप यूनिट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा
संचालित सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SIP-EIT योजना शुरू की। SIP-EIT योजना के अनुसार सरकार ऑफिशियल फीस, फाइलिंग, एग्जामिनेशन, प्रोसेसिंग फीस, एक्सपेंसेस ऑन सर्च, अटॉर्नी चार्जेस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसलेशन जैसे खर्चों के निर्दिष्ट प्रतिशत को कवर करेगी। घरेलू इनोवेटर्स द्वारा या तो सेक्शन 39 के आवश्यकता को पूरा करने के बाद या भारत में आवेदन दाखिल करने के 12 महीने के भीतर। उपर्युक्त संशोधनों और नए नियमों के संबंध में सरकार ने IPR मालिकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न IP पॉलिसीज को लागू किया है। परिणाम स्वरूप पिछले 4 से 5 वर्षों में भारत में पेटेंट फाइलिंग का दृश्य काफी बदल गया है। IP फाइलिंग्स की संख्या और IP जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने घरेलू इनोवेटर्स के तकनीकी विकास, समय और संशोधनों की रक्षा के लिए वर्तमान पॉलिसीज में विभिन्न बदलावों को लागू करना जारी रखा है। पेटेंट फाइल करने की स्थिति में सरकार द्वारा प्रदान किए गए कई लाभों और प्रोत्साहन के साथ हम भारत में आने वाले वर्षों में IP क्षेत्र में उछाल की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।